कार्स ऑफ इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ है 2021 की फेस लिफ्टेड एमजी हेक्टर। जो ये पर्टिकुलर मॉडल है ये सुपर मॉडल है जो कि बेस सेकंड मॉडल है और ये डीजल वेरिएंट है इसका। तो इसका जो इंजन आता है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये इसका इंजन है ओके, और ये 2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 170 पीएस की पावर और 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। और यहाँ पे आप इंसुलेशन देख सकते हैं गाड़ी की अच्छी खासी इंसुलेशन की गई है, तो जो इंजन की नॉइज है और जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर ना जाए। सो क्लोज करते हैं और बाकी गाड़ी के आप और फीचर्स देखते हैं। सो एक हैवी बिल्ड क्वालिटी इसकी लगती है इसके बोनट की एटलीस्ट। सामने से अगर हम लोग इसके फीचर्स देखने शुरू करें तो ये जो ग्रिल है 2021 मॉडल की ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कर दी गई है, थर्मोप्रेस्ड ग्रिल है ये, और यहाँ पे क्रोम का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको दिखाई देगा। ये आपको एमजी की बैजिंग मिल जाएगी। और थोड़ा सा अगर हम लोग इधर की तरफ आएँ तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ LED DRLs मिल जाएंगे विद इंडिकेटर्स। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे और जो फॉग लाइट्स हैं वो भी LED ही आती हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो सामने से देखने में गाड़ी का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है, रिफ्रेशिंग लगता है जो पुरानी वाली हेक्टर थी उससे काफ़ी ज़्यादा। साइड प्रोफाइल से अगर हम लोग बात करनी शुरू करें तो सबसे पहले तो इसके टायर्स जो कि 215/60 R17 प्रोफाइल के हैं, और ये जो टायर्स हैं ये डायमंड कट तो नहीं आते हैं, ये एलॉय व्हील्स हैं क्योंकि ये टॉप मॉडल ऑब्वियसली हैं, टॉप मॉडल में ही जो एलॉय व्हील्स हैं वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप ORVMs देख सकते हैं विद इंडिकेटर्स ब्लिंकर्स दैट आर। और इधर की तरफ आएँ तो ये यहाँ पे हैंडल पे आपको कोई भी क्रोम का यूज़ नहीं मिलेगा, लेकिन बॉडी कलर में भी हैंडल जो है वो अच्छी लगती है। यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉरिस गैराजेस की बैजिंग स्टाइलिश लगती है और ये थोड़ा सा क्रश्ड एल्यूमिनियम कलर उसमें है, फिनिश में है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 192 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो अच्छी खासी ऊंची बनाई है गाड़ी कि आप ख़राब सड़कों पे आराम से कहीं पर भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इधर की तरफ ही आपको फ्यूल लिट दी गई है। यहाँ पे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि पूरी इसकी LED टेल लाइट्स हैं, बहुत ही स्लीक और स्टाइलिश दिखती हैं। पीछे की डिज़ाइनिंग भी जो पुराना मॉडल आता था उससे चेंज की गई है, तो थोड़ा सा और इसको स्पोर्टी बनाया गया है। ये डिफॉगर सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आता है और रियर वॉशर्स आते हैं, वाइपर्स। MG की बैजिंग यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। ये स्पॉयलर्स गाड़ी को स्पोर्टी लुक देते हैं। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटेना, और यहाँ पे आपको दिख जाती है हेक्टर की बैजिंग। MG की बैजिंग के जस्ट नीचे रिवर्स कैमरा है और रिवर्स कैमरा के बगल में ही आपको बटन दिया गया है कि आप बूट को ओपन कर सकें। थोड़ा सा और नीचे अगर हम लोग देखें तो ये रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं जो पूरे के पूरे वहाँ से शुरू होकर के पूरी पट्टी दी गई है यहाँ तक पूरा फिनिश इसको दिया गया है, अच्छा लगता है, मतलब कनेक्टिंग रिफ्लेक्टर्स हैं। और ये 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पे इसका एग्जॉस्ट मिल जाता है आपको और ये बैक क्लैडिंग मिल जाती है। इसका जो स्पेयर व्हील मिलता है वो फुल साइज़ नहीं आता है, वो स्पेस सेवर है, और अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, बूट से आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। साइड से अगर एक और चीज़ हम लोग देखें तो जो इसकी रूफ रेल्स आती हैं ये देख सकते हैं आप, ये फैक्ट्री फिटेड है और फुल्ली फंक्शनल रूफ रेल्स हैं। मतलब फुल्ली फंक्शनल का मतलब ये हो गया कि ये 100 kgs तक का जो वेट है वो इनमें आप मतलब ये झेल सकती हैं उनसे। सो जैसे कई सारी गाड़ियों में आती हैं कि फंक्शनल नहीं होती है रूफ रेल, किसी काम की नहीं होती है, इनमें आप कोई सामान अप टू 100 kgs आप लोड कर सकते हैं जो कि ये झेल पाएंगे उस वेट को। अभी चलते हैं अंदर और गाड़ी के इंटीरियर्स कैसे हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं उनकी बात करेंगे, वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियर सीट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग MG हेक्टर की बैक सीट में हैं, और यहाँ पे अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कराया गया है। आप देख सकते हैं कि नी रूम कितना ज़्यादा है
और हेडरूम भी अच्छा खासा है मेरी हेड के हिसाब से, विच इज़ फॉर रेफरेंस 5 feet 6 inch। तो एक हिसाब से अगर इसमें 6 feet के ऊपर का भी आदमी बैठेगा तो आराम से बैठ सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर सीट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाएगी सीट्स में, और कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ठीक कुशनिंग है, थोड़ी सी हार्ड साइड में है तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग ड्राइव में आपको परेशान नहीं करेगी। और फ्लैट है ऑलमोस्ट, बीच वाला जो पैसेंजर होगा उसको भी बैठने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक चीज़ यही है कि जो पीछे का यहाँ बीच में सपोर्ट है ये थोड़ा सा हार्ड दिया गया है, क्योंकि ये आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है। सो आर्मरेस्ट विथ 2 cup holders यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे 3 adjustable आपको हेडरेस्ट्स मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा इसका फीचर है वो जो यहाँ पे बीच में कोई भी आपको टनल नहीं मिलती है, बिल्कुल ही फ्लैट फ्लोर दिया गया है, तो बीच में कोई भी पैसेंजर बैठेगा तो उसको बैठने में या उसको पैर रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पीछे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और ये आप देख सकते हैं एसी वेंट्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग नीचे देखें तो यहाँ पे आपको केवल एक यूएसबी पोर्ट मिलता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्पेस मिलती है कि आप अपना फ़ोन रख सकें। और अभी चलते हैं बूट देखते हैं कि उसमें कितनी स्पेस है। पीछे से बटन दिया गया एक्सेस करने का, और ये ऑन खुल गया इसका बूट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पार्सल शेल्फ आपको दी गई है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे भी एडजस्ट हो सकता है। इसको अगर आप पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे बंद हो जाती है, और यहाँ पे फोल्ड भी हो जाती है ये ऐसे। और यहाँ पे आपको जो बूट मिलता है, बूट स्पेस वो 587 liters का आपको बूट मिलता है, विच इज़ प्रिटी बिग। तो यहाँ पे आप कोई भी सामान आराम से रख करके हफ्ते भर का सामान लेके जा सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, जो एक प्रॉब्लम है वो इसकी लोडिंग हाइट है, विच इज़ क्वाइट हाई, तो आपको कोई भी अगर भारी सामान उठाना हो तो नीचे से उठा करके रखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जब एक बार आप सामान रख देंगे तो उसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा यूटिलिटी स्पेस और दिया गया है ये नीचे, यहाँ पे भी आप छोटे मोटे आप अपने सामान एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी जो सीट्स हैं रियर सीट्स, वो इसकी 60-40 में स्प्लिट होती हैं, तो अगर आप लोग 4 लोग को बैठना है और ज़्यादा सामान रखना है तो आप 40 में सीट स्प्लिट कर दीजिए और आराम से आप जा सकते हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी की पूरी फ्लैट फोल्ड होती है, तो एक फ्लैट फ्लोर मिलता है, अच्छा खासा आप सामान अंदर रख सकते हैं। फिलहाल बंद करते हैं बूट स्पेस को। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल दी गई है, यहाँ से आप नीचे खींच सकते हैं बूट को। बूट बंद, और चलते हैं फ्रंट की सीट्स पे और देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो इसकी ये की आती है जिसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने का बटन मिलता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया गया है इंजन का, सो कुछ ऐसी आपको की मिलती है। और अगर मैं फ्रंट के डोर्स की बात करूं तो फ्रंट के डोर्स में ये सॉफ्ट टच आपको मटेरियल मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और सेंट्रल लॉकिंग का सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं जिसमें आप 1 liter की बॉटल आराम से रख सकते हैं, अच्छा खासा स्पेस है इसमें। और अगर अंदर चढ़ने की बात करें तो इनरेस करना मुश्किल नहीं है, जो ओल्ड लोग हैं उनको शायद चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस गाड़ी में, क्योंकि हल्की सी ऊंची पड़ती है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं तो MG की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, एक बहुत ही स्टाइलिश लगती है, स्लीक। और अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो इसकी जो स्टीयरिंग है वो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दी गई है, और काफ़ी प्रीमियम लगती है टच करने में, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको इस तरफ जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स के बटन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आपको ORVMs को एडजस्ट करने का बटन दिया गया है, विच इज़ मैनुअली फोल्डेबल, नॉट इलेक्ट्रिकल, बट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है, यहाँ पे फ्यूल लिड को ओपन करने का बटन है, और यहाँ पे बोनट को ओपन करने का बटन है। यहाँ पे इसके AC वेंट्स दिए गए हैं, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो कि सेमी डिजिटल है, जो स्पीडोमीटर है और RPM मीटर है वो एनालॉग में, और बीच में एक स्क्रीन दी गई है विच इज़ नॉट ऑन येट। थोड़ा सा इनका कुछ सिस्टम है MG वालों का कि अभी ऑन नहीं हो सकता है ये, ऐसा कुछ है। बाकी जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं, ये 10.4 inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बहुत ही बड़ा अच्छी खासी इसकी स्क्रीन आती है। और अगर मैं इसके टच रिस्पॉन्स की बात करूँ, टच रिस्पॉन्स इसका अच्छा है, कोई लैग नहीं है इसमें,
और यहाँ से यहीं से आप जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो भी यहीं पे दिए गए हैं, कोई अलग से आपको कंट्रोल नहीं मिलेंगे। आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, एसी किस डायरेक्शन में आपको चाहिए आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सब कुछ जो है वो इसी टच स्क्रीन पे दिया गया है। ये थोड़े से डायल्स दे दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़े से बटन दे दिए गए हैं कि ताकि आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकें, एयर वेंटिलेशन को आप एडजस्ट कर सकें यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया गया है। और अगर मैं मटेरियल क्वालिटी की बात करूँ तो ये जो मटेरियल क्वालिटी है ये एम जी ने सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छी दी है इस सेगमेंट में। ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, इधर भी सॉफ्ट टच मटेरियल ही आपको मिल जाता है। और ये जो फिनिश है ये थोड़ा सा क्लॉथ फिनिश साथ में दिया हुआ है, डेनिम फिनिश एक हिसाब से मैं कहना चाहूँगा, तो ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी ये इसके एसी वेंट्स आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसके ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो ये का ग्लव बॉक्स डिसेंट स्पेस का है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी साइज़ है ग्लव बॉक्स की, ठीक ठाक स्टोरेज इसमें आ सकती है। और अगर आप लोग इधर देखें तो ये इसका 6 स्पीड का गियर सेलेक्टर है, जो कि थोड़ा सा मतलब ओल्ड स्कूल दिया है एमजी ने, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं दिया है। और यहीं पे अगर आप नीचे देखें तो आपको 2 USB के पोर्ट्स मिल जाएंगे और एक ऑक्स का पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी 12 वोल्ट का सॉकेट आगे की तरफ नहीं दिया गया है। और यहाँ पे इसका मैनुअल हैंडब्रेक मिलता है, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स का जगह मिलती है। और ये इसका सेंटर आर्मरेस्ट है जो कि थोड़ी बहुत स्टोरेज ले सकता है, बहुत ज़्यादा स्टोरेज तो नहीं है इसमें, थोड़ी बहुत ले सकता है, लेकिन हाँ सेंटर आर्मरेस्ट में 12 वोल्ट का सॉकेट आपको दिया गया है। सो फाइनली एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल गया है एमजी में। और अभी इसके सेंटर ग्लव बॉक्स को बंद करते हैं, विच इज़ मैग्नेटिकली ऑपरेटेड आई थिंक, यस। और यहाँ पे सॉफ्ट टच आपको दिया गया है, एडजस्टेबल नहीं है, ये यहीं फिक्स रहेगा, आगे पीछे नहीं हो सकता है। और अगर मैं इसके सामने के तरफ की बात करूँ तो जो इसका ग्लास एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, और जो इसकी विजिबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी आ रही है, मतलब मीन्स आपको बोनेट के दोनों एजेस दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पे आप जो सीट्स हैं उनको भी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो अभी फुल्ली इसकी सीट्स ऊपर हैं तो मुझे बोनेट के एजेस दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर यहाँ पे IRVMs की बात की जाए तो IRVMs इसके मैनुअली एडजस्टेबल हैं, ये ऑटो डिमिंग नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाएंगी जो कि सरप्राइजिंगली हेलोजन दी गई हैं, और इनफैक्ट जो पीछे वाली लाइट्स हैं वो भी हेलोजन ही आपको मिलेंगी। बट कोई बात नहीं, अगर काफ़ी सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको डुअल एयर बैग्स मिल जाएंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, ABS विद EBD मिल जाएगा, हिल डिसेंट असिस्ट आपको मिल जाएगा, हिल स्टार्ट असिस्ट जो आता है वो इसके टॉप मॉडल में ही आता है, इस मॉडल में नहीं है। तो आई थिंक इस प्राइसिंग की गाड़ी जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 15.68 लाख का एक्स शोरूम का ये पर्टिकुलर वेरिएंट है जो कि सुपर है, तो इस प्राइस पॉइंट में एटलीस्ट इतना देना चाहिए था, थोड़ा सा हिल डिसेंट असिस्ट अगर आप दे सकते हैं तो आप हिल स्टार्ट असिस्ट भी दे सकते हैं, इतना एमजी को थोड़ा सा और करना चाहिए था। बाकी अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो इसकी सीट्स की कुशनिंग अच्छी है और इसकी सीट्स वाइड हैं, तो अगर कोई हेल्दी पर्सन भी बैठेगा तो भी उसको बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो गेट्स पे ही आपको एमजी के स्पीकर्स मिल जाएंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें 4 स्पीकर टू ट्वीटर सिस्टम है जो कि एमजी के ही प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि प्रीमियम साउंड करते हैं, अच्छा साउंड करते हैं। तो साउंड क्वालिटी इस गाड़ी की अच्छी दी गई है, ख़राब नहीं है। फ़िलहाल हम लोग इसको चला करके नहीं देख सकते हैं, तो फिल अभी ये सिर्फ वॉक अराउंड ही रहेगा। एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में है कि इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों ही आपको मिलता है, बट दोनों ही वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें एमजी कहीं हिट एंड मिस पे चल रही है, तो ये थोड़ा सा एमजी को ध्यान देना चाहिए था, इम्प्रूव कर जाएगी आई होप नेक्स्ट फेसलिफ्ट जब भी आएगा। तो ये रही इसके अंदर की बात। हाँ एक चीज़ और हम लोगों ने बाहर मिस कर दी थी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो बाहर आते हैं और उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बाहर इसकी ये बात है कि इसके जो चारों टायर्स हैं उनमें आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, विच इज़ अ गुड फीचर। ब्रेकिंग इसकी अच्छी होने वाली है, दैट मीन्स प्रोग्रेसिव होने वाली है। और एक हिसाब से ये था एमजी हेक्टर का 2021 का पूरा रिव्यू, जो एक सिर्फ वॉक अराउंड ही हम लोगों ने आपको दिया है अभी तक। इसका जो टेस्ट ड्राइव रिव्यू है ये हम लोग आपको बाद में देंगे,
अभी के लिए वो अवेलेबल नहीं है, बट तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।